इलेक्शन की पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब जरूरी है हर संगठन के लिए, वही कर रहे हैं। कैसे इम्प्रूवमेंट हो, कैसे चुनाव में जाएं, तो उससे पहले पूरी तैयारी के साथ जाएं। 24 अप्रैल से जो लाभार्थियों को जो भी हमारी चुनावी बजट घोषणाएं हुई है उनका लाभ कैसे सुनिश्चित किया जाए, वो कैंप लग रहे हैं पूरे राजस्थान में, वो कैंप कैसे सफल हों, और जो भी घोषणाएं बजट में हुई है आम आदमी के फायदे के लिए उनका लाभ उन तक पहुंच जाए, तो ये एक्सरसाइज चल रही है। रघु जी, क्या फेस आगे रख कर के लड़ना चाहिए चुनाव, इसको लेकर के कई हलकों में बातें आ रही है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स भी आ रही है, ऐसा कहा गया है, दिल्ली रिपोर्ट्स भेजी गई। देखिए, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट क्या है ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन राजस्थान में जो परंपरा रही है किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, जब सरकार रहती है तो चेहरा ऑटोमेटिक ही जो मुखिया होता है वही होता है, तो ऐसी मेरे को तो कोई जानकारी है नहीं। भारतीय जनता पार्टी को जरूर अपना चेहरा घोषित करना चाहिए, क्योंकि वो चेहरा घोषित करते आए हैं हमेशा। इस बार उनके कोई 10-12 उम्मीदवार हैं मुख्यमंत्री पद की रेस में, उनको अपना चेहरा डिक्लेयर करना चाहिए। लेकिन सचिन पायलट के अनशन के बाद सियासत काफ़ी गर्म हो गई आपकी पार्टी में भी। देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने फैसले अपने स्तर पर लेना जानती है और लेती आई है। सचिन पायलट साहब भी कांग्रेस पार्टी के ही नेता हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के अध्यक्ष रहे, उनके नेतृत्व में हम सब लोगों ने चुनाव लड़ा, सरकार बनाई, तो हम सब मिलके लड़ेंगे चुनाव। किसकी क्या भूमिका होगी ये आलाकमान तय करता। रघु जी, आप कह रहे हैं मिलके चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आज पायलट साहब को भी आना था, 1-2-1 संवाद था, वो नहीं है। देखिए, उनका पहले से प्रोग्राम बना हुआ था, हर चीज़ में कंट्रोवर्सी क्यों ढूंढते हम, ये अचानक तय हुआ। मुझे भी, मैं केकड़ी से रात को ही आया हूँ, हर व्यक्ति अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने प्रोग्राम में बिजी है, तो आज उनका पूर्व निर्धारित प्रोग्राम था, सबको मालूम है। उसके बावजूद अगर हम इसमें भी कंट्रोवर्सी देख रहे हैं तो मैं समझता हूँ उचित नहीं है। आलाकमान तो कार्रवाई के लिए कह रहा है, लेकिन उसके बाद पूरा मामला ठंडे बस्ते में चल गया है, क्या मानिए कि कार्रवाई की कोशिश हो रही है? किसकी कार्रवाई? दीवानशन पे बैठे थे तो प्रभारी ने बोला था कि कार्रवाई होगी, ये बात का जवाब तो प्रभारी जी देंगे, मैंने तो बोला नहीं, मैंने नहीं बोला, जिसका जवाब मैं कैसे दूं। रघु जी, पर जिस मुद्दे पर उनका अनशन था पिछली सरकार, वसुंधरा राजे सरकार के घोटालों पर, आप कैसे देखते हैं उसको? देखिए, अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे तो मुझे भी मालूम है, मैं चुनाव लड़ा था, एक ही साल में 2 चुनाव लड़ा था, मैंने पार्लियामेंट भी लड़ा अजमेर से और मैंने असेंबली भी लड़ा, मुद्दा बहुत बड़ा था वो, और उस मुद्दे के ऊपर कुछ कारगर कार्रवाई तो होनी चाहिए, इसमें क्या बात है। अगर कोई भी करप्शन के चार्जेज, आज जिस तरह से आम आदमी इससे कंसर्न रखता है कि करप्शन, हालांकि हमारी सरकार ने 0